अपकमिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको पिछले दो वीडियोस समझ में आए होंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी लाइन टूल की। लाइन टूल से हमने सीखा था कैसे कोई ड्राइंग या पैटर्न बनाते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि हमें सपोज़ ये ड्राइंग है, हमने बनाई है, लेंथ कैसे पता चलेगी, विड्थ कैसे पता चलेगी, वो हम लोग कैसे डायमेंशनिंग करेंगे। ठीक है, कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए, कोई भी ड्राइंग हम बनाते हैं तो मेजर करते हैं, या फिर हमें पहले से डायमेंशन पता रहती हैं। लेकिन अगर हमें किसी को बतानी है कि ये कितना इसकी लेंथ है, कितना इसकी विड्थ है, तो उसके लिए हम लोग शो करेंगे ड्राइंग पे अपनी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनोटेशन पैनल में डायमेंशन, यहाँ पे आपको आइकन दिख जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट विंडो से भी एसेस कर सकते हो, DIM एंटर, ठीक, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हमने डायमेंशन यहाँ से लिया। अभी हमारा जो ड्राइंग है वो लीनियर है, अभी आप देख सकते हैं ये लीनियर है। आप यहाँ पे देखिए टच भी कर रहे हैं तो आपको डायमेंशन यहाँ पे शो हो रही है। आप क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक कर रहे हैं वैसे ही डायमेंशन आपकी आई। हमने क्या किया, यहाँ पे ड्रैग कर दिया एंड क्लिक कर दिया एंड ये आ गई। फिर हम यहाँ पे गए, क्लिक किया, क्लिक करा, ड्रैग किया एंड क्लिक करा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया डायमेंशनिंग करने का, स्केप कर दिया एग्ज़िट के लिए, कमांड से बाहर निकलने के लिए हम लोग स्केप प्रेस कर देते हैं, एक ये तरीका हो गया, या फिर इसको सेलेक्ट करके डिलीट करें। फिर हम एक और तरीका कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमेंशन लीनियर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लीनियर है, अलाइंड है, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, डाया, ऑर्डिनेट, जॉग्ड। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लीनियर, जो कि हमें ड्राइंग के हिसाब से लीनियर ही अभी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें अलाइंड अभी बाकी सारे डायमेंशन अभी हमें नहीं देखनी है, पहले हमें लीनियर देखना है, क्योंकि हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट बनाया है वो लीनियर डायमेंशन है। तो हम जाते हैं यहाँ पर लीनियर, जैसा कि आप देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में हमें दिख रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन, ओरिजिन मतलब पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये पॉइंट बता दिया, देन सेकेंड एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन डैट इज सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज सेकेंड पॉइंट, एंड हमने उसको लोकेट करने के लिए ड्रैग करा। आप डाउन डायरेक्शन में भी ड्रैग कर सकते हैं, अप डायरेक्शन में भी ड्रैग कर सकते हैं, और कहाँ तक ड्रैग करना है ये भी आप माउस की हेल्प से करेंगे। ये हमने यहाँ से कर दिया, आप देख सकते हैं ये हमारा जो लाइन है वो 5 जो भी आप यूनिट रखेंगे उसके हिसाब से होगा, 5 सेंटीमीटर, 5 mm, 5 inches, ये आपका यूनिट पे है। जो हम पढ़ेंगे कि हम लोग यूनिट कैसे सेट करते हैं, अगर हमें यूनिट सेट करनी है तो हम लोग UN एंटर करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लेंथ का टाइप क्या है, डेसिमल है अगर तो आपका ड्राइंग आएगा MM मीटर, सेंटीमीटर, मतलब मेट्रिक सिस्टम। यहाँ से आप प्रिसीजन सेट कर लेंगे, मतलब कितने डेसिमल प्लेसेस तक। यहाँ से आप यूनिट देख लेंगे, यूनिटलेस मतलब कोई भी यूनिट नहीं रहेगी, इंचेस में रखते हैं तो इंचेस में, मिलीमीटर्स, अभी हमने डेसिमल रखा है तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स या मीटर्स, हमने सेंटीमीटर्स ले लिया यहाँ पे और ओके। तो अभी आपकी जो भी आप ड्राइंग बना रहे हैं तो उसका एक यूनिट हो गया, डैट इज़ सेंटीमीटर। तो मतलब ये जो हमारा 5 है डैट इज़ 5 सेंटीमीटर।
ओके okay. अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एक डायमेंशन का स्टाइल है. डायमेंशन का स्टाइल क्या है? आपका जैसे एरो हेड देख सकते हैं, एरो हेड एंड यहाँ पे एक्सटेंशन लाइंस हैं. तो ये सारी चीज़ें हम सेट कैसे करते हैं, डायमेंशन को सेट कैसे करना है, वो जो दिख रहा है उसका स्टाइल, तो वो होता है डायमेंशन स्टाइल. इसका शॉर्टकट होता है DIMSTY, एंटर. यहाँ पे हम गए स्टैंडर्ड मॉडिफाई. हमें कोई भी स्टाइल दूसरा सेट करना है तो हम मॉडिफाई पे जाते हैं. मॉडिफाई पे जाने के बाद आप ये पैनल देख सकते हैं, जैसे कि लाइंस, यहाँ पे डायमेंशन लाइंस. अब डायमेंशन लाइन यहाँ पे बेस लाइन स्पेसिंग है. आप जैसे कि मैंने 0.5 कर दी तो एंटर. डायमेंशन लाइन 1, डायमेंशन लाइन 2, डायमेंशन लाइन दोनों यहाँ से हट गई. क्लिक करा तो आ गई. आपको डायमेंशन लाइन शो करनी है तो शो कर सकते हैं, नहीं करनी है तो यहाँ से सप्रेस कर सकते हैं. सप्रेस का मतलब नहीं दिखेगी वो लाइन. अगर हमने टिक कर दिया तो वो लाइन नहीं दिखेगी. बेस लाइन स्पेसिंग क्या होती है? यहाँ के बेस से आपकी स्पेसिंग कितनी है, यहाँ से हम देख लेते हैं. अभी हमने 0.5 रखी है जैसे कि आप देख सकते हैं. एक्सटेंशन लाइंस जो आपकी यहाँ पे लाइंस होती हैं, वो होती हैं एक्सटेंशन लाइंस. डायमेंशन लाइन जो आपकी एरो हेड के साथ, एक्सटेंशन लाइन यहाँ बेस लाइन से एक्सटेंड कर रही है. टिक करा एंड वापस आ गई एक्सटेंशन लाइंस. बाकी अभी हमें कुछ नहीं करना है. एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं वैल्यूज. ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन लाइन से कितना ऑफसेट रखना है, ये सारी चीज़ें आप वैल्यूज सेट कर सकते हैं. सिंबल इन एरोज, सिंबल इन एरोज में आप देख सकते हैं आपका एरो हेड क्लोज फील्ड होना चाहिए तो क्लोज फील्ड, सेकेंड एंड लीडर, ये सारे हमें ऑप्शंस यहाँ से मिल रहे हैं. अभी हम लाइंस तक बात करते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा उसमें हम सारे स्टाइल्स पे बात करेंगे, जो सारी सेटिंग्स है उस पे बात करेंगे. अभी हम जो रख रहे हैं सेट करेंट कर देंगे, जैसे हमने जो सेटिंग्स कर ली सेट करेंट क्लोज. तो क्या हुआ, जो डायमेंशन स्टाइल हमने एडिट करा वो सेव हो गया है. डायमेंशन करके देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे प्रिसीजन चेंज हो गया है. पहले प्रिसीजन 4 डेसिमल प्लेसेस तक था, अभी भी प्रिसीजन वही है क्योंकि हमने चेंज नहीं किया है. हम एक बार चेक भी कर सकते हैं. ये प्रिसीजन तो 0.10 ही है, लेकिन हमने डायमेंशन स्टाइल में नहीं चेंज करा है, इसीलिए ये ऐसा शो कर रहा है. एक बार हम चेक कर लेते हैं. टेक्स्ट फिट प्राइमरी यूनिट्स, हाँ प्राइमरी यूनिट्स में भी जाके हम प्रिसीजन चेंज करेंगे, तब वो प्रिसीजन आएगा जो आपने यूनिट में रखा था. ओके, सेट करेंट क्लोज. अब आप देख सकते हैं जो प्रिसीजन हमने सेट करा था यूनिट्स में, फिर डायमेंशन स्टाइल में, तब वो चेंज हो गया. तो ये एक सेटिंग्स हमने सिखा दी आपको कि यूनिट चेंज करना है, डायमेंशन सेट करना है, डायमेंशन स्टाइल सेट करना है, उसके मुताबिक आप जो भी आपकी ड्राइंग है उसको
दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, डायमेंशन शो कर सकते हैं, यूनिट क्या होगी वो दिखा सकते हैं। यूनिट जो आप सेट करते हैं वो हर ड्राइंग के लिए सेट हो जाती है फॉर सिंगल वर्कस्पेस। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक ही रखेंगे। होप कि आपको समझ में आया होगा। हम फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।